हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं प्यारे प्यारे फूल से स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल खिला है हम लोग का बाहर में। एक्चुअली मैंने नहीं लगाया, भैया ने लगाया और क्रेडिट मैं ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जब खिला था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अभी थोड़ा सा दिन हो गया है इसलिए थोड़ा सा कलर फेड हो चुका है, लेकिन तब भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये फल, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे इसे, अगर आप लोग गैस कर सके तो बोल दीजिएगा कमेंट में। चलिए, मैं आप लोगों को इतना सस्पेंस में नहीं रखती हूँ, बोल ही देती हूँ। इसका नाम कुकुम्बर है। कैसे, ये देखिए, अभी जस्ट मासी देख के गई है, मतलब सिलचर से लाया है। देखकर मुझे इतना अजीब लग रहा था, डर भी लग रहा था कि क्या है बोल के। चलिए आप लोगों को बता देती हूँ, ये है कुकुम्बर। ये सिलचर में, सिलचर से लाया गया, तो सिलचर में होता होगा शायद। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा इसे, मुझे लगा कोई पत्थर टाइप में कुछ है बोल के, लेकिन ये खीरा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं काटूंगी दिखाऊंगी आप लोगों को कि अंदर का भी वैसा ही है कि नहीं, जैसे हम लोग रेगुलर खाते हैं, मतलब जो मिलता है हम लोगों को। लेकिन पता अच्छा भी लग रहा है देखने में, क्यूट है ना। लेकिन चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से, चलिए दिखाऊंगी क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। और गैस अभी हम वहाँ पर मैंने चाय बिठा दिया सुबह का काम वाम ख़त्म करके, और आज ब्रेकफास्ट में यही है, सिंपल है, चाय भी डाला नहीं है, बस कप को रेडी करके रखा है। तो यहाँ पर सिंकरा कचौड़ी, ये पनीर वाला कचौड़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये मीठा पीठा बोला जाता है जिसको बनाना से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा पैनकेक की तरह ही है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। तो अभी फिलहाल ये मेरे हस्बैंड के लिए, मैं ये नहीं खाऊंगी और ये नहीं खाऊंगी, तो मैं ये खाऊंगी, इसको रखा हुआ है अभी, दिखाती हूँ चलिए। तो ये देखिए मेरे लिए एक रोटी भी बना लिया, उसी का ही है, मतलब थोड़ा पकौड़ा बनाने के बाद उसका बैटर को थोड़ा पतला करके मैंने एक रोटी बनाया, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। और मैंने तवा से ढक के रखा है क्योंकि तवा को फिर से मुझे गर्म करके खाना होगा। चाय भी उबलने वाला है, दूध का चाय है ये, तो बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, खाना में क्या बनाऊँगी। तो यार देखिए गैस, खाना बनाने के टाइम पर मतलब ये बाल, गिरा हुआ बाल देकर, ये कुछ बर्तन आप खरीद सकते, मतलब ले सकते हैं, इस तरह का कुछ आता है यहाँ पर, पता नहीं आप लोग उधर आता है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग नागालैंड में, मतलब वेजिटेरियन में मैंने नहीं देखा आया हुआ, इसलिए मम्मी मैं उधर जाने से आंटी लोगों से बाल कलेक्ट करके लेके आती हूँ और बस कुछ कुछ खरीद लेती हूँ, तो अच्छा लगता है छोटा मोटा सामान खरीदने में। छक्का मेरा दिस देखिए गैस, काम के चक्कर में भी ये मिल गया, मतलब मुझे ये लेना था। और जितना बाल मैंने अभी दिखाया है वो सब मेरा बाल नहीं है, आप लोग डरिए मत, मेरा बाल है बोल के। नागालैंड में जाने से, मतलब वहाँ पर तो ये सब नहीं आता है ना, तो आंटी लोगों से मैं इकट्ठा करके कभी कभी लेके आती हूँ। तो बस वही है, एक छक्के में दिखा देती हूँ कि आज का आइटम क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फिश हेड से लाओ बनाया जाता है, तो हम लोग इसे लाओ घंटा बोलते हैं, मास्टर माथा दिया लावाश तरकारी, तो यही बना रही है। तो अभी इसमें पानी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये सूखने के बाद मैं फ्रेश धनिया पत्ता से इसको डालकर फिर ढककर रख दूँगी, तो हो जाएगा। ये गार्डन का ही है। और यहाँ पर है, इसे मैं बॉईल कर रही हूँ ताकि इससे मैं फिश बनाऊँगी। और इसे बोलते हैं एग प्लांट, जिसे हम लोग ओटेंगा बोलते हैं। बस अब इसका गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो, पहले से मैंने बैगन फ्राई करके रख दिया है, तो आज आइटम में रहेगा बैगन फ्राई, फिश का सब झूल और ये लाओ माथा दिया लाओ के साथ फिश फिश का रस सब्जी। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने मस्टर्ड और जिंजर, नहीं सॉरी, मस्टर्ड गार्लिक और चिली को पेस्ट करके रखा है, ये फिश के लिए चाहिए। और यहाँ पर है फिश तेल, जिसको मैंने बैगन से बनाया हुआ है, बैगन प्याज और थोड़ा सा गार्लिक और मिर्च, हरी ग्रीन चिली, बस इतना ही। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी से पूरा खाना ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने ये, मतलब वो जो लाओ का जो छिलका नहीं रहता है उसको काट कर यहाँ पर रखा हुआ है,
ये मेरा बहुत फेवरेट एक भाजी है, लेकिन कोई भी नहीं खाता है, बस मैं खाती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये रखा हुआ है। और ये भी आलू बॉईल करके रखा हुआ है इस फिश में डालने के लिए। तो फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, बाद में आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी इसको निकाल के, फिर मैं उसका पेस्ट डालकर दिखाऊंगी किस तरह से मैं वो खट्टा वाला फिश सब्जी बनाऊंगी पोटाना के साथ। तो पहले इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो गैस अभी देख सकते हैं मैंने मस्टर्ड पेस्ट, मतलब फर्स्ट तेल में मैंने थोड़ा सा बस मस्टर्ड सीड डाला था, उसके बाद ड्राई रेड चिली जो कि ये रहा, उसके बाद मस्टर्ड पेस्ट में जो गार्लिक और चिली पेस्ट वगैरह था उसको डालने के बाद थोड़ा सा मैंने अच्छी तरह से मैंने उसको फ्राई किया मसाले को। उसके बाद मैंने ये जो बॉईल किया हुआ था इसको पानी के साथ मैंने इसमें डाल दिया अभी, ताकि इसका फ्लेवर निकलते रहे। कम स्टीम में मैं इसे हिलाते मतलब चलाते रहूँगी, कम स्टीम में इसे चलाते रहूँगी। और उसके बाद मैं लास्ट में डालूँगी आलू, फिर आलू डालने में थोड़ा देर फिर से मैं इसे फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद लास्ट में मैं गर्म पानी डालकर, ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, गर्म पानी डालकर मैं फिश डाल दूँगी और बस मेरा फिश रेसिपी कम्प्लीट हो जाएगा। तो मेरा खाना वाना बनाना कंप्लीट हो गया था, और हम लोग का इधर में कुछ ना कुछ आते ही रहता है नॉन स्टॉप, बस आप किचन में जितना बार रहोगे उतना बार बाहर आना पड़ता है देखने के लिए कि क्या आया बोल के। तो यहाँ पर आज मेरे हस्बैंड ने पूजा दे दिया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करिए। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो कंप्लीट हो गया था मेरा खाना बनाया हुआ सब कुछ, तो इसलिए नहाकर मैं अभी खाना निकालने आ गई हूँ। तो फटाफट खाना निकाल लेती हूँ और खाने भी बैठ जाऊँगी, उसके बाद पता नहीं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ रहता ही नहीं है शेयर करने के लिए, लेकिन तब भी शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फटाफट दिखाती हूँ एक ही झटके में क्या बनाया है। ये देखिए आज का आइटम गाइस, यहाँ पर सिम का बीच से बनाया ड्राई फिश का सब्जी, बहुत टेस्टी बनता है। और ये फिश तेल, बैगन फ्राई, और ये लापता आलू का सब्जी, फिश का सब्जी ओटेगा के साथ, और ये लाओ फिश के साथ बनाया, फिश हेड के साथ बनाया। तो ये रहा आज का इंग्रेडिएंट्स। बस अभी मैं खाना लेके बैठ गई हूँ यहाँ पर, बस अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ, उनको खाना देती हूँ, अभी वो चले भी गए ड्यूटी पर, अभी मेरा खाने कबाब है। तो दिखाते हैं मेरा प्लेट पर क्या क्या है। ये मेरे हस्बैंड ने खाया था तो मतलब दिखाई दिया, तो यही है मेरा खाना यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा करके चावल रखा हुआ, अगर चाहिए तो लूँगी मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम, और मैंने सलाद नहीं लिया जो कि मेन है, वो ही नहीं लिया। तो 6 आइटम है अभी, थोड़ा थोड़ा करके खाऊँगी। तो चलिए दिखाती हूँ बाद में शाम को क्या करते नहीं करते दिखाऊँगी, चलिए खा लेती मैंने। यहाँ पर मैं सबसे पहले लाओ जो फिश हेड से बनाया था वही खा रही हूँ। अभी थोड़ा सा फिश तेल, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूँगी, नहीं तो पेट भरता हो जाएगा ज़्यादा चावल खाने से। कौन ने बताया कि आप लोगों को फिश तेल किस चीज़ को पसंद है, मुझे पहले पसंद नहीं था, लेकिन आजकल बहुत कुछ खाने लगी हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है फिश तेल। मेरा हस्बैंड एक चीज़ें खा लेते हैं पूरा खाना। देखिए गाइस खाना खाकर जस्ट ख़त्म ही किया था, और कपड़ा लाने गई थी छत पर, और घर पर आके देखा दोनों देवर दुनिया भर का अमृत लेकर बस मेरे घर पर हमला कर दिया था, बोल रहा है कि वो लोग को ये चटनी खाना है, खट्टा मीठा वाला चटनी बनाती हूँ जिसमें मैं इसमें इमली भी डालती हूँ और बकोड़ी भी डालती हूँ, और अच्छी तरह से तीखा और नमक चीनी सब कुछ डालकर मैं इसे बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ। आप लोग खाते ही होंगे भरता बोलते हैं ना क्या, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उसी को बना रही थी। तो मेरे हाथ पर देख सकते हैं चम्मच से बना रही थी, ये चम्मच बहुत ज़्यादा धार है जिससे बहुत अच्छी तरह से ये छोटे छोटे पीसेस में कट भी हो रहा था और बहुत अच्छा से मिक्स भी हो रहा था। तो इसी में सब कुछ हम लोग मिक्स करके पूरा कैंपस का लोग हम लोग सब कोई मिल के खाते हैं, अच्छा लगता है। तभी इसको हाथ से मिक्स किया जा रहा है, और यहाँ देख सकते इमली
डाल। तो अभी वो नींबू का पत्ता लाके दिया, नींबू का पत्ता लाने से बहुत अच्छा सेंट आता है इसमें। मैंने सोचा धनिया पत्ता डालूंगी, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं नींबू पत्ता डालिए बहुत अच्छा लगेगा, तो उसी का बात रखा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक साइड पर वो भरता रखा और यहाँ पर जो मैंने क्या बोलता है बोगड़ी बोलता है उसको थोड़ा सा स्वीट गुड़ से बनाया हुआ है, तो इसी को ही थोड़ा बहुत बात एक ही जगह में सेट करके सबको देने के लिए सर्व कर रही थी। और देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मैंने तो आधा से ज़्यादा ख़त्म कर दिया। मैंने बहुत इजी मेथड से बनाया इसे, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं शेयर करूँगी इसे। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइस, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मेरे लिए इतना ही बचा हुआ है, तो बस फटाफट इसे टेस्ट करती हूँ और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए एक चीज़ और है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, देखिए गाइस आई हूँ और देखिए पार्सल मतलब देके गया, तो रूम के बाहर रखा हुआ था तो मासी ने घर के अंदर घुसा दिया, तो इसके अंदर क्या है वो तो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी, उसके लिए बने रहना पड़ेगा। मैं एक के साथ आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करूँगी मीशो से मैंने क्या क्या ऑर्डर दिया, और तीन आइटम आना बाकी है, तो देखती हूँ कौन सा अच्छा होगा। तो फिलहाल अभी के लिए नहीं दिखाती हूँ।